हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लोग चैनल स्पोर्टिंग के रिम में। आपको खबरें आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आपने चैनल क्राइब में किया चैनल क्राइब से बल्कि इनको बेस्ट कीजिए ताकि आपकी वीडियो में सके। पहली बड़ी खबर करो करेगा अपने कल की आ रही राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियन के बीच जो कल का पहला मैच खेला गया। अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी क्विंटन डीकॉक ने की और जीत के हीरो क्विंटन डीकॉक रहे, जिन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी और मुंबई इंडियन ने मैच 7 विकेट से जीत लिया। अगर बात की जाए दूसरे मैच की तो दिल्ली कैपिटल और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच खेला गया उसमें सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी पृथ्वी शाह ने की और जीत के हीरो भी पृथ्वी शाह रहे और उन्होंने भी 7 विकेट से मैच जीता और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पृथ्वी शाह ने की और जीत के हीरो पृथ्वी शाह रहे और दिल्ली कैपिटल ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है रईसा वंडरडेशन यानी बहुत ही बेहतरीन साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है वो उन्होंने राजस्थान रॉयल का कैंप ज्वाइन किया। अब 6 दिन का क्वारंटीन उनका होगा, उसके बाद वो राजस्थान रॉयल की तरफ से अवेलेबल रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है वंडरडेशन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और अब वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे और उन्हें बायो बबल ज्वाइन किया। अब 6 दिन का क्वारंटीन होगा, ये राजस्थान रॉयल के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है बीसीसीआई के हवाले से की बड़ी खबर। बीसीसीआई ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप जो है वो यूएई के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप यूएई में खेला जा सकता है। अब बीसीसीआई ने अभी तक इस पर कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं ली है लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप जो है वो यूएई में खेला जा सकता है। जिस तरह 2020 का आईपीएल खेला गया था यूएई में, उसी तरह से ये भी T20 वर्ल्ड कब भी यूएई में खेला जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही पृथ्वी शाह के हवाले से की बड़ी खबर। पृथ्वी शाह ने शिवम मावी की 6 गेंदों पर 6 चौके मारकर वो इंडिया के दूसरे बैट्समैन बन गए। अजिंक्य रहाने के बाद दूसरे बैट्समैन बन गए हैं 6 गेंदों पर 6 चौके मारने वाले और उन्होंने शिवम मावी की गेंद पर 6 चौके मारे और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। अगर बात की जाए तो इससे पहले अजिंक्य रहाने ने 6 चौके मारे थे और अब पृथ्वी शाह ने 6 गेंदों पर 6 चौके मारे और वो उन्होंने 6 गेंदें ली है शिवम मावी की गेंदों पर ली है। और पांचवी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा के हवाले से की बड़ी खबर। रोहित शर्मा के मुताबिक चेन्नई की पिच हमारे लिए अच्छी पिच नहीं थी और दिल्ली की पिच हमारे लिए बहुत ही सूट करती है। उनके मुताबिक जिस तरह की चेन्नई की पिच थी हमारे बल्लेबाजों में वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे। उनके मुताबिक जब से हम दिल्ली में आए हैं हमने अच्छी बल्लेबाजी की और हम आने वाले वक्त में अच्छी